और स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में, और मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट है और थर्सडे का दिन है। राहु काल के समय आज आफ्टरनून का रहेगा, 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का समय। इसी के साथ श्रावण मास चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि चाहे बात हो श्रावण मास की, वैशाख मास की, माघ मास की या कार्तिक मास की, ये हर महीने जितने भी होते हैं ये अपने आप से इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हर एक महीना जो है किसी न किसी देव की, किसी न किसी भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण का महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। हमने अभी 2 दिन पहले बात करी थी शिवरात्रि की, लेकिन ये पूरे ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा तो फलदायी होती ही है, लेकिन अगर इस सावन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाए, तो और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं, और ख़ासतौर पर बात करें हम कि सावन के महीने में भगवान शिव जो हैं वो भक्ति करते हैं भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु जो हैं वो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, इसलिए भी ये महीना जो है इतना ज़्यादा खास हो जाता है। और इसलिए भी कहा जाता है कि भगवान शिव का नाम तो लीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ में भगवान श्री कृष्ण का नाम भी लेना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं राशियों की शुरुआत, और आज हम बात करेंगे उस खास मंत्र की जिसका उच्चारण आज के दिन में किया जा सकता है, क्योंकि थर्सडे का दिन है यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है, और बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास माना जाता है। लेकिन पूजा करेंगे कैसे, खास मंत्र के साथ करेंगे, और वो खास मंत्र अगर पढ़ लिया जाए तो आपके जीवन में से तमाम मुश्किलें जो हैं वो छू मंत्र हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशि के साथ। एरीज के लिए कार निकल रहे हैं द स्टार एंड किंग ऑफ वंड्स, तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। आप लोगों के लिए मामा पक्ष से आपको सहयोग मिल सकता है, धन से संबंधित जो भी कार्य करेंगे वो आज आपका बनने वाला है। धन प्राप्त करने के लिए आज के दिन में कोशिश करना है आपको समय का सदुपयोग करें, ऐसा नहीं है समय को आप व्यर्थ करेंगे या बर्बाद करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आर्थिक समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो समय के सदुपयोग को समझना होगा। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, कोशिश कीजिएगा रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें। वृषभ राशि एस ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, आज दिन सामान्य रहेगा वृषभ राशि वालों का, मन में थोड़ी सी अस्थिरता का भाव रहेगा। आज के दिन में स्थायी संपत्ति को लेकर के वाद विवाद उठ सकते हैं, थोड़ा कॉशियस रहेगा। व्यवसाय में मजबूती रहेगी और खासतौर पर लेन देन से जुड़े हुए जो मामले हैं वो आपको लाभ दे सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में सामंजस्य बना करके रखें। ओम आदिदेव नमः, ओम आदिदेव नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेमिनाइज के। मिथुन राशि वालों के लिए द एम्प्रेस एंड एट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकला है, आप लोगों के लिए वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के मन में थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रह सकती हैं। आज के दिन में कर्म के प्रति आपको उदासीन रहना होगा, मन में आत्मविश्वास बना करके रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी। आप कहीं ना कहीं भी अपने समय को लेकर के बहुत ज़्यादा एक टेंशन में रहेंगे आज के दिन में, व्यर्थ की चिंताएं जो हैं उसकी वजह से भी आज के दिन में थोड़ा सा हेल्थ आपकी इफेक्ट हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, मिथुन राशि वाले लोग खासतौर पर वैवाहिक जीवन में एक बैलेंस बना करके चलेंगे तो बेहतर है। आज के दिन में ओम अचला नमः इस मंत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम अचला नमः इस मंत्र का पाठ कीजिएगा 108। कर्क राशि द हैंड मैन एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है, आप अपने अंदर आत्मविश्वास आज महसूस करेंगे जिसकी वजह से काफ़ी सारे काम आपके बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो पाएंगे। छोटे भाई बहन जो हैं उनसे सम्मान मिल सकता है। आज के दिन में स्थायी संपत्ति बनने के योग बन रहे हैं, मे बी आप किसी को पैसा दे सकते हैं या कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। किसी अच्छे कार्य या फिर संपत्ति में निवेश करना आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स आज बेहतर दिखाई दे रही हैं। माता पिता से वो प्यार जो है, वो स्नेह जो है आपको मिलेगा, और खासतौर पर किसी बात को लेकर के जो कन्फ्यूजन चल रही थी, जो परेशानियाँ चल रही थी, आज वो भी खत्म हो सकती हैं। ओम अनिरुद्ध नमः, ओम अनिरुद्ध नमः इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, कार्ड निकल रहे हैं 2 of Wands एंड 3 of Wands, तो आज के दिन में मन में थोड़ी सी उदासीनता के भाव रहेंगे, कहीं ना कहीं पे जो व्याकुलता है, जो परेशानियां हैं वो थोड़ी बहुत रहेंगी। संतान से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जिसकी वजह से भी आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। आज अपने व्यवहार पर खासतौर पर नियंत्रण रखें, अपने सोच पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ऐसी सिचुएशन में ऐसा सोच लेते हैं जो कि आपके दिमाग के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो कोशिश करनी है सिंह राशि वालों को बहुत गुस्से में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। अनावश्यक चीज़ों के ऊपर आज के दिन में बहुत ज़्यादा डाउट करना वो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओम ज्ञानेश्वर नमः मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम ज्ञानेश्वर नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, कोशिश करेंगे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके करेंगे तो बेहतर है।
कर्नल आशी द जस्टिस एंड ईज ऑफ पंचाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो बड़े भाई बहनों का पूरा पूरा सहयोग आज के दिन में आप लोगों को मिलेगा। आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपको मदद मिल सकती है। आज के दिन में मान सम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं आप लोगों के लिए। खासतौर पर आय के साधन जो हैं वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी का भाग्य भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग देगा। आज के दिन में उपाय क्या करना है, मंत्र कौन सा आपको जपना है, ओम धर्माध्यक्ष नमः, ओम धर्माध्यक्ष नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा है। तुला राशि की बात करते हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो मन में कहीं ना कहीं भय की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। आपको आज के दिन में क्रोध पर नियंत्रण करके चलना है, नहीं तो आपके लिए रिश्तों से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सब एक तरीके से उछल पुछल उसमें नजर आएगी। तो कोशिश करना है बिना बात के क्रोध नहीं करना है। व्यापार में आपके लिए वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर आप लोगों को जो भी योजना यानी कि जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं उसे सोच समझ कर लागू कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आप जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लें या अपने बड़े फैसले को आप इम्प्लीमेंट करें और उससे आपको नुकसान होने लग जाए, क्योंकि अभी तो ग्रोथ दिखाई दे रही है लेकिन आने वाला समय एज सच कोई प्रॉमिसिंग नहीं है आप लोगों के लिए। आज के दिन में अगर बात करी जाए व्यापार में थोड़ी सी अस्थिरता बनी रह सकती है, कोई महत्वपूर्ण यात्रा लेकिन आज के दिन में हो सकती है। ओम सत्यवत नमः, ओम सत्यवत नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा आज जो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है या भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है उन्हें माखन मिश्री का भोग दिया जरूर। वृश्चिक राशि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द टेंपरेंस कार्ड निकल रहा है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ने की आध्यात्मिकता की वजह से भी आज काफ़ी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। कुटुंब में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आज संतान के ज्ञान का उनकी नॉलेज बढ़ेगी आज के दिन में। ओम पार्थ सारथी नमः, ओम पार्थ सारथी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा भगवान कृष्ण के समक्ष बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें। धनुराशि फाइव ऑफ पेंटाकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है, मन में कहीं ना कहीं पर थोड़े बहुत कठोर परिश्रम करने की वजह से आपके लिए या हार्डवर्क करने की इच्छा आज के दिन में हो सकती है। मेबी आप प्लानिंग्स कर सकते हैं कि मैं आज ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, इस तरह की सोच जो है आपके मन में रहेगी। धार्मिकता कहीं ना कहीं पर आपके लिए कुछ कम हो सकती है, क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअल पहले थे आज उससे थोड़ा सा कम नज़र आएंगे। सिर्फ मन में खासतौर पर कर्म की प्रधानता आज ज़्यादा रहेगी। मन में क्रोध की वजह से भी आज चीज़ें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल पर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी आप लोगों के लिए। अपने व्यवहार में जितना ज़्यादा संयम बना करके रखेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, ओम वर्धमाने नमः, ओम वर्धमाने नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा है। मध्य राशि सेवन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है, भाग्योन्नति आज के दिन में हो सकती है, कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। जीवन साथी से संबंधित भी आज के दिन में समय काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स कंपैटिबिलिटी वो बनी रहेगी। जीवन साथी का भाग्य आज के दिन में प्रबल रहेगा, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला है या कोई भी ऐसे जॉब को लेकर के पर्सनल लाइफ को लेकर के वो चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिविटी दिखाई देगी। स्थायी संपत्ति के योग बन रहे हैं और खासतौर पर सुख सुविधा के ऊपर धन खर्च हो सकता है आज। ओम अक्षरा नमः, ओम अक्षरा नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी बात करते हैं कुंभ राशि कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए नाइन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटाकल्स। तो आज के दिन में किसी रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। जीवन साथी से खासतौर पर आज रिलेशनशिप्स आपके बेहतर बने रहेंगे। किसी भी धार्मिक कार्य होने की संभावनाएँ आज दिखाई दे रही हैं, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। कहीं ना कहीं पर रुके हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं और आपके अधिकारी जो हैं आपके सीनियर जो हैं आज आपके काम से काफ़ी खुश रहेंगे। पिता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है आज के दिन में। उपाय क्या करना है या फिर आज आपको किस मंत्र का जाप करना है, ओम सहस्त्रकाक्ष नमः, ओम सहस्त्रकाक्ष नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा संध्या काल के समय आप तुलसी में दीपक दिया जरूर जलाएं। मीन राशि की बात कर लेते हैं, कार्ड निकल रहे हैं द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आज के दिन में वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहेगा, लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। जहाँ तक ज़रूरत हो आप लोगों के लिए उतना ही इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, यानी कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आपके लिए नहीं रहेंगे लेकिन अगर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी कम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज मदर की ब्लेसिंग्स अपने लेना आपके लिए बेहतर है, उनसे आपके जीवन में सफलता बढ़ेगी। ओम आदिदेव नमः, ओम आदिदेव नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो देखिए।